दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप बोल के अपनी भाषा में मोबाइल में कैसे टाइप कर सकते हो। वैसे तो आपने उंगलियों से बहुत टाइप किया मोबाइल में, लेकिन अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप बोल के कैसे टाइप कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, तो आपको आ जाएगा कि मोबाइल में आप बोल के कैसे टाइप कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाले कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के वीडियो के अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले आपके मोबाइल में आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। वहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है वहाँ पे आपको जीबोर्ड टाइप करना है। जैसे ही आप जीबोर्ड टाइप करेंगे पहला जो ऑप्शन आएगा उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। जैसे गूगल कीबोर्ड इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि जीबोर्ड हमारा इंस्टॉल हो जाता है, आपको उसे ओपन करना होगा। यहाँ पे ओपन होते ही आपको यहाँ पे स्टेप वन में दिया गया है सिलेक्ट जीबोर्ड इन योर लैंग्वेज इनपुट सेटिंग, तो आपको उसको इनेबल इन सेटिंग पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे जीबोर्ड पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टेप टू दिया गया है सिलेक्ट जीबोर्ड एज योर डिफॉल्ट इनपुट मेथड। यहाँ पे आपको सिलेक्ट इनपुट मेथड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जीबोर्ड सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप जीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश, गुजराती, हिंदी ऐसी 3 लैंग्वेज सिलेक्ट की हुई है। आप यहाँ पे ऐड कीबोर्ड करके यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे कई सारे ऑप्शन है, थीम है, वॉइस टाइपिंग है, सर्च है, तो आपको यहाँ पे आपको वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करना है और उसको ऑन करना है। आपका जो सेटिंग का ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाने के बाद आपको जहाँ पे भी टाइपिंग करना हो, यानी अभी हमने व्हाट्सअप लिया है तो हम यहाँ पे व्हाट्सअप पे टाइपिंग पे क्लिक करते हैं, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने क्लिक होगा। यहाँ का जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे नीचे आपको जो इंग्लिश दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप प्रेस करके रखोगे तो आपको जो भी लैंग्वेज आपको लिखनी है वो आ जाएगी। हम यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर देते हैं, हिंदी इंडिया है जिसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम जो भी लिखेंगे वो हिंदी में टाइप करके आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते क्या है, तो यहाँ पे क्या है आ गया। यहाँ पे गूगल कीबोर्ड में यानी कि जीबोर्ड में कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करके, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करो, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर दे हमारा चैनल का नाम ही जेपी ओ। इससे पहले मेरे को यहाँ से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर से मेरे को यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे इंग्लिश करना है और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जेपी कॉमटेक। और यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो नीचे मेरी जो वीडियो है वो आ जाएगी, मेरा फेसबुक का जो पेज है वो आ जाएगा, वहाँ का जो मेरा ऑफिस का एड्रेस है वो भी दिखाई देगा आपको, मेरा जो आर्टिकल लिखा हुआ है योग के बारे में और वो सब वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे हम यहाँ पे फेसबुक पेज है इसको मेरे को शेयर करना है, तो सिर्फ इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते तो हमारे फेसबुक पेज की जो लिंक है वो सीधी यहाँ से शेयर हो जाएगी। जैसे हम इसको ओपन करके देख लेते, ये देख लो हमारे फेसबुक पेज की जो लिंक है वो ओपन हो गई। हमारा ये हमारा फेसबुक पेज है। आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है वो तो लाइक कर दो। सर्च के बाजू में जो ऑप्शन है वो इमेज का है, जैसे यहाँ पे सभी कार्ट कैरेक्टर्स दिए गए हैं तो उसको आपको ऐड कर देना होगा। यहाँ से हम कुछ भी कोई भी कार्टून कैरेक्टर ऐड कर देते, जैसे कि ये ज्योतिष भैया है उसको हम ऐड कर देते, तो ज्योतिष भैया यहाँ पे ऐड हो गए। हमको यहाँ पे कहना है क्या, तो यहाँ पे हम ज्योतिष भैया को सेंड भी कर सकते हैं। नमस्ते कहना है, अभी फ़िलहाल कोरोना चल रहा है तो नमस्ते बहुत चल रहा है, तो यहाँ पे नमस्ते पोपट भी कह रहा है। यहाँ पे आपने जो रिसेंट यूज़ किया होगा वो आएगा। यहाँ पे प्लस में जाके आप दूसरी इमेज भी यहाँ पे इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे GIF फाइल भी कई सारी दी हुई है। यहाँ पे दूसरी हंगरी है जो बुक के मारे बहुत काँप रहा है, ये हमारा टॉम एंड जेरी वाला जो है बच्चा, उसको हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं, तो आपको GIF फाइल भी यहाँ से सीधी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाजू में जो सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जो पहले आपने जो सेटिंग की थी वो ऑप्शन पर आप फिर से यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप
आपको एक मैसेज आएगा, वहाँ पे आप ओके कर दो। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि हम यहाँ से हिंदी जो लैंग्वेज यहाँ पे आपको ढूंढ के उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखूँगा हाउ आर यू और फिर क्वेश्चन मार्क, तो ऊपर ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा क्या हाल है भाई। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। यहाँ पे दूसरे कई सारे ऑप्शन दिए गए हुए, थीम है, क्लिपबोर्ड है, टेक्स्ट एडिटर है, शेयर। आपका एक कीबोर्ड अच्छा लगा तो आप यहाँ से भी उसको लिंक के जरिए उसको शेयर कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है थीम है, तो हम यहाँ पे थीम्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई सारी थीम है, तो यहाँ पे उसकी कुछ इनबिल्ट थीम भी है। और यहाँ से जाके आपको माय थीम्स पे आपको क्लिक करके आपको कोई भी फ़ोटो आपका लगाना हो तो यहाँ पे जाके आप वो भी फ़ोटो भी लगा सकते हो। हमें अभी जो थीम दी गई है वही रखनी है, या फिर चलिए कोई नई थीम ट्राई करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं ये ब्लैक थीम, तो ये कैसी लग रही है वो हमें अभी देख लेते हैं। कीबोर्ड हमें कैसा रखना है ये वो यहाँ से नीचे आप देख सकते हो, और यहाँ पे सिंपल आप अप्लाई करोगे तो आपका कीबोर्ड का टोटल इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अभी आई मेन बात कि ये माइक्रोफोन जो बाजू में दिखाई दे रहा है उसका उपयोग क्या है। तो अभी हम यहाँ पे फिर से जाके हमारी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी कर दिया है, तो अभी यहाँ पे मैं जो भी बोलूँगा वो सीधा वो टाइप कर लेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे माइक्रोफोन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अलाउ जी बोर्ड टू रिकॉर्ड ऑडियो, तो आपको अलाउ दे देना है। और यहाँ पे आप जैसे भी कुछ भी बोलोगे तो आप देख रहे हो कि मैंने जो भी बोला हो यहाँ पे टाइप होना शुरू हो गया है। आप इस कीबोर्ड में आपके जो नंबर्स है 1 to 0 उसको आपको सेपरेट देना है, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। यहाँ पे इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे प्रेफरेंस पे जाना होगा। यहाँ पे आपको दिया गया नंबर रो, तो आप वहाँ पे क्लिक कर लो। सो इमेज हो स्विच की वो भी आपको लेना हो तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ नंबर ही ले रहे हैं। और आपको हम दिखाई देते हैं हमारे जो नंबर्स थे वो भी सेपरेट आ गए हैं ऊपर। तो आपको कुछ भी टाइप करना हो, जैसे कि यहाँ पे हमें टाइप करना है JP होम टेक और यहाँ पे हमें 05 देना है, तो वो भी हम दे सकते हैं सेपरेटली। दोस्तों आशा रखते हैं कि आपको ये हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप अपने मोबाइल में एक कीबोर्ड डाउनलोड कर दो। आपको बहुत ही इजी वे से आप सब कुछ टाइप कर पाओगे, और इससे अच्छा कीबोर्ड आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। दोस्तों आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।